ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਘੁੰਮਣ? ਆਪਾਂ ਲਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆ। ਲਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਜਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫੋਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਫੋਨ ਦੇਖ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਚੱਲ। आज हम लोग जा रहे हैं कुदरा लेक पे। ये कुदरा लेक एक्चुअली दुबई से अलैन रोड के ऊपर आता है, तो अभी हम लोग जाएंगे दुबई से अलैन रोड के ऊपर, वहाँ पर आएगा कुदरा लेक। और इस साइड में आके हम तीन लेक एक साथ देख सकते हैं, कुदरा लेक, लव लेक और एक्सपो लेक। तो अगर हम इस साइड में आएंगे तो हम तीनों एक ही दिन में देख सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुदरा लेक पे, उसके बाद फिर लव लेक जाएंगे, फिर हम लोग एक्सपो लेक जाएंगे। ये देखिए इस साइड में ना बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं। देखिए ये दुबई का गांव है, विलेज टाइप है यहाँ पर। रुको 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 रुको, सुपरमार्केट आ गया है। तो अभी हम लोग आ गए हैं सुपरमार्केट के अंदर, यहाँ से लेते हैं कुछ खाने और पीने के लिए सामान, फिर चलते हैं आगे। अब सुपरमार्केट से लेके आया आप सामने, सुपरमार्केट है। तो आगे भी देखिए, ये पूरा विलेज की तरह है। ये देखिए, ये बहुत खुला एरिया है, यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, ये विलास बने हुए हैं। इस एरिया में आके ऐसा लगता है कि हम लोग गांव में आ गए हैं। तो ये बोर्ड लगा हुआ है लव लेक, कुदरा लेक, एक्सपो लेक। तो पहले हम लोग कुदरा लेक पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है कैसा है। तो इस साइड में अभी पूरा कच्चा रास्ता है जो अंदर जा रहा है कुदरा लेक की तरफ। तो ये यहाँ से ना तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता होगा, तो उसके बाद में कुदरा लेक आता हूँ। तो यही लग रहा है मुझे कुदरा लेक। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में। पार्किंग यहाँ पर खुला है, कहीं पे भी हम लोग पार्क कर सकते हैं। तो ये अपने को इधर देखने के लिए मिलेगा। ये 3 टाइप के बर्ड्स है यहाँ पर जो अपने को मिलेंगे देखने के लिए। तो चलते हैं आगे। तो ये यही है लेक जिसको देखने के लिए हम लोग आए हैं, कुदरा लेक। आसपास में सब लोग बैठे हुए हैं। और ये इधर पार्किंग है, यहाँ पर लोगों ने कैसे भी कहीं पे भी पार्किंग की हुई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर पार्किंग की। तो चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए, ये लोग ऐसे ही इधर बैठे हुए हैं, अपना आराम से चेयर वगैरह लाई है, टेंट लगा हुआ है। ये देखिए, ये आगे टेंट लगा के बैठे हुए हैं। सोने सोने ये वाइट वाला कितने है ना? तो मुझे ये वो देखो कितने सारे डक्स हैं, ब्लैक है, एक वाइट है। ये सही बात है। ब्लैक कितना अच्छा है। हाँ, ब्लैक कितना अच्छा, क्यूट लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा है। फुल एंजॉय कर रहे हैं। सामने मुझे लगता है ये फिल्टर चल रहा है इसके पानी के लिए, शायद ये पानी को फिल्टर कर रहा होगा। वो
चलो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और जगह क्या क्या है यहाँ पर, कुछ और भी चल रहा है सामने आगे। देखो बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं यहाँ पर, कुछ कुछ जगह पर बैठे हुए हैं, जैसे कि बीच में ये थोड़ा कच्चा और छोड़ा हुआ है जिसके ऊपर बैठे हैं, कुछ ज़्यादा पानी नहीं घूम रहे हैं, ये भी बैठे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे, ये कुछ बना हुआ है शायद, इसके ऊपर से ये व्यू दिखता हो, तो अभी वहाँ पर चलते हैं देखते हैं आगे जाके क्या है। चलिए अभी चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं इसके ऊपर क्या है। तो ये देखिए पूरा ना वुड का बनाया गया है, ये साइड और ये सीढ़ियां सब वुड का बनाया हुआ है, देखते हैं इसका छत के ऊपर क्या है। तो ये ऊपर भी पूरा वुड का है, ऊपर नीचे ये पूरा वुड का बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भी ऊपर है, और ऊपर चलते हैं देखते हैं ऊपर क्या है। तो ये देखिए इधर से पूरा व्यू दिख रहा है, ये इस साइड में सब गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में, काफ़ी दूर दूर तक लोगों ने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। देखिए इस साइड में ये पूरा ना बेरी का बाग है, मैं आपको दिखाता हूँ ये भी नीचे लेके जाके, तो ये सब बेरी लगी हुई है, बेर ये बेर का बाग है पूरा, ये देखिए ये सब साइड में वही सेम है। और ये बीच में थोड़ा बनाया गया है जिधर पानी रखा हुआ है ना, तो कितना लेक ये इधर ही है बस, ये देखिए ये छोटे से एरिया में पानी है, ठीक है, बाकी आसपास पूरा इसको बाग लगाया हुआ है। देखिए इधर लोग बैठे हुए हैं अपना आराम से, इधर मेन क्या है लोग आके ना बारबेक्यू ज़्यादा कर रहे हैं, अपना फूड वगैरह लेके आए हैं, तो फुल डे इधर इन्जॉय करेंगे। अभी ये लोग इधर बैठे हुए हैं, ये देखिए चेयर लगा के टेंट लगा के अपना बैठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं अभी नीचे, अभी देखते हैं नीचे और क्या है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ ये व्यू दिखाने के लिए बनाया गया है, और तो कोई इसका मतलब नहीं लग रहा मुझे, तो शायद ये इसीलिए बनाया गया कि ऊपर आके आप जैसे फ़ोटो वगैरह ले सकते हो ना, कि ऊपर से कैसा दिख रहा है वो दिखाने के लिए शायद ये बनाया गया है। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्यों बनाया गया, बट मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये व्यू दिखने के लिए बनाया गया कि ऊपर आके आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये तो इधर साइकिलिंग के लिए बनाया गया, साइकिलिंग सेंटर बनाया गया, जो वेस्टेज है हम लोग उसमें डालेंगे। तो इस साइड में ये खाली पूरा मैदान पड़ा है, और चलते हैं आगे देखते हैं और क्या है।
तो यहाँ पर भी देखिए बच्चे प्ले कर रहे हैं इनके साथ, तो एंजॉय बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं इनके साथ। ये देखिए बिल्कुल पास में खड़े हैं, और आगे चलते हैं। देखिए इधर भी ये बना रहे हैं कुछ, आग जला दी इन्होंने, तो ये लोग कुछ फूड बना रहे हैं। ज़्यादा लोग सारे ना सब अपने सामान लेके आए साथ में, तो इधर बैठ के बना रहे हैं। कुछ लोग घर से बना के लेके आए, इधर बैठ के खा रहे हैं, और कुछ लोग इधर बना रहे हैं, जिनको बारबेक्यू का है वो इधर बना रहे हैं। तो ये देखिए ये बेरी है, इस पे बेर लगे हुए हैं, येलो कलर के रेड कलर के बेर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ बेर ही है, और कोई ग्रोसरी कैफेटेरिया नहीं है। मैं सब साइड में देख लिया घूम के, कुछ भी नहीं है। दिनेश तुम पता है कि ये आ गया, पता तुम ये बेर है की कहते, पता बेर कहते ये खाने वाले होंगे खाते तोड़ बे एक तोड़ कंडे होंगे ना ध्यान ना, ठीक है रेड कलर वाला देख रेड आ येलो वाला आ एक मिनट वेट वेट आ येलो वाला तोड़ इधर कंडे लगे ध्यान ना, ठीक है हाथ जनाल वाले तोड़ हाँ तोड़ दा तोड़ तोड़ के थले डेग गया वेट का मैं तोड़ के वेट का तो फिर थले डेग जाना थले थले पड़ा साफ करता है खा के देखेता दंदी बाटे च खा के देख टेस्टी होता बैठ दंदी कि लगा इधर करिए मिठे मिठे कौड़े आ फिके आ कितना लगे बढ़िया। तो यहाँ पर आने के लिए ना अपना खाने पीने का जुगाड़ करके आना, क्योंकि इसके पास में कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा आपको। जो फैमिली है वो आके बैठी हुई है बस इसके आसपास, पानी के थोड़ा सा पानी है इसके साइड पे बैठे हुए हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं सब लोग, अपना खाना वाना लेके आए हैं इधर बैठ के खा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। इसके आसपास में कोई रेस्टोरेंट कोई कैफेटेरिया कुछ नहीं है, कोई ग्रोसरी नहीं है, सब लोग अपने घर से लेके आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं बस।